दोस्तों नमस्कार। भारत में आपने समय समय पर ऐसे घोटाले जरूर देखे होंगे कि जिसको देखने और सुनने और समझने के बाद में शायद आपके पैरों से जमीन खिसक सकती है। लेकिन एक ऐसा घोटाला कि जिसमें सरकार से तो पास किया गया आपकी शादी के लिए रुपए, या यूं कहें कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति खत्म हो गया है जो कि कमाने वाला था उसके लिए, लेकिन यहां तो घपलेबाजों ने उसमें भी सेंध लगा दी। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ में। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो भारत पे पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश, और उस उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, जिला कानपुर। ये तो सिर्फ एक जिले कानपुर की हम एक दास्ता सुनाने जा रहे हैं। दास्ता ही नहीं साहब, ऐसी वास्तविकता जिसमें जंक लगे उस पाइप की अगर परतों को हटाया जाए तो ना जाने शायद पाइप भी पूरा हट जाएगा। समझिए जरा सिलसिलेवार तरीके से। अधिकारियों और कर्मचारियों ने तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए डकार गए। किस कदर? आपने सुना होगा, समझा होगा और फिर जाना भी होगा। हो सकता है कि अखबारों के पन्नों में भी पढ़ा हो या टीवी के बड़े बड़े चैनलों में भी देखा हो कि शादी के नाम पर 20,000 रुपए अनुदान दिया जा रहा है और 30,000 रुपए पारिवारिक अनुदान दिया जा रहा है। यानी कि अगर आपके घर में कोई मुखिया कमाने वाले की मृत्यु हो गई है कोरोना काल में तो उसको 30,000 रुपए। लेकिन साहब, यहां पर बैठे हुक्मरान, यानी कि जिले के अगर हम सिर्फ हुक्मरान बोलें, तो उन्होंने 6.5 करोड़ रुपए डकार दिए। किस तरह? फर्जीवाड़े से। फर्जीवाड़ा ऐसा कि डॉक्यूमेंट्स किसी के व्यक्ति कोई और पैसा किसी व्यक्ति के पास में। 1,079 लोग ऐसे फर्जी पाए गए जो बिना शादी के अनुदान प्राप्त किए, और 1,440 ऐसे पाए गए कि जिसमें सीधे तौर पर पारिवारिक कागजों में फर्जी पाए गए। इनमें क्या, हालांकि कुछ लोगों के पास में धन भी पहुंचा है, कुछ लोगों के पास में नहीं पहुंचा है, लेकिन साहब कानपुर के जो जिला अधिकारी हैं आलोक तिवारी, उनने सीधे तौर पर जांच बैठाई और जांच बैठाने के बाद में कुछ कर्मचारियों को निलंबित भी किया है। लेकिन एक सवाल का होता है कि आखिरकार मौजूदा वक्त की स्थिति में जो देश के हालात हैं, जो स्थिति है, जो भयावह पैदा हो रही है, वो वाकई में किस कदर डरावनी है। समझिए जरा, गरीब तबके का आदमी सीधे तौर पर शादी के लिए उसको 20,000 रुपए दिया जा रहा, लेकिन कुर्सी पर बैठे अधिकारी और कर्मचारियों ने तो उनका 20,000 रुपए ही चूस लिया। हालांकि 20,000 रुपए सरकार से तो पास हुआ एक आम आदमी के लिए जाने के लिए, लेकिन बीच में बैठे मीडिएटर यानी कि अधिकारी और कर्मचारियों ने वो 20,000 रुपए, या यूं कहें कि 30,000 रुपए, अपने ही कर्मचारियों या मिलने वालों या सहयोगियों के लिए दिया। यानी कि वो फर्जी भी पाए गए, किसी के अगर पिता की या किसी के भाई की कमाने वाले की मृत्यु नहीं हुई तब भी उसको 30,000 रुपए अनुदान में दिया गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब कोई भी कागज तैयार किया जाता है वो कागज में कई अधिकारियों और कर्मचारियों के भी साइन होते हैं, जांच होती है कि ये व्यक्ति है या नहीं है, बायोग्राफी होती है कि आधार कार्ड लग करके इस व्यक्ति के पास पैसा जा रहा है, ये व्यक्ति के कागज या ये व्यक्ति सही है या गलत। लेकिन यहां जो घोटाला निकल कर आया वो वाकई में पूरे देश में एक हैरत कस में डालता है। आज की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के कानपुर का सबसे बड़ा घोटाला इस मामले में निकलकर सामने आया है। सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि आखिरकार कौन व्यक्तियों ने कितना लिया और क्या डिटेल है। कानपुर की तहसील से ये खुलासा उजागर हुआ और इस अब तक लेखपाल लक्ष्मीकांत पांडे, विजय कुमार व के दुबे और लिपिक सुषमा कुरेल को निलंबित किया गया है। 4 महीने से जांच भी चल रही है। आगे जरा समझिए, 702 लाभार्थियों ने फर्जी पते पर अनुदान लिया, 9 लाभार्थियों ने फर्जी आवेदन के माध्यम से लाभ लिया, 8 अभ्यर्थियों की शादी तो पहले हो चुकी थी फिर भी लाभ लिया, 37 लाभार्थियों ने निवास स्थान ही बदल दिया, 22 ने बिना शादी के अनुदान लिया और 31 जांच के लिए दस्तावेज ही नहीं दिए गए। ये साहब एक डाटा है। दूसरा डाटा समझिए, 1106 घर वाले गायब बिना मरे लिया अनुदान। यानी कि पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है
जिनके घर में कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है। ऐसे 1106 अनुदान लेने वाले गायब हैं। हद तो तब हुई कि जब बिना मरे 2 दर्जन से ज्यादा लोग लाभ ले लिए। हालांकि कई ऐसे आंकड़े हैं जिनको मैं बताने में परहेज कर रहा हूं, लेकिन अगर मोटी मोटी भाषा में बात करें तो सीधे तौर पर 6.5 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है ये वाकई में हैरतकश है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक जिले की मैं बात बता रहा। अगर मैं अन्य जिलों की बात करूं, हालांकि अन्य जिलों में लगभग या यूं कहें कि 75 जिले आते हैं, तो उन जिलों की अगर लिस्ट खोली जाए या जांच की जाए तो कितने करोड़ों रुपए का घोटाला है शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति में हालात और सोच और परिस्थितियां अब बेकाबू होती चली जा रही हैं। बीजेपी सरकार के हुक्मरानों की माने तो सरकार ने तो पैसा भेजा लेकिन शायद जमीनी स्तर पर वहां नहीं पहुंच पाया। आपने एक कहावत सुनी होगी, शायद कांग्रेस की सरकार में पहले, यानी कि जब इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो कहा जाता था कि सरकार से जब 100 रुपए पास होता है तो गरीब तबके तक 1 रुपए पहुंचता है। ये कहावत तो साहब उस जमाने की है, लेकिन अगर आज की बात करें तो ये कहावत को तो लीप दिया गया। कैसे? उन्होंने तो कहा था कि 100 रुपए में तो 1 रुपए भी पहुंचता है, लेकिन यहां तो ये कहावत ऐसी साबित हो गई कि 100 रुपए में तो 1 रुपए भी नहीं पहुंचा और वो 100 रुपए का 100 रुपए किसी दूसरे के खाते में पहुंचा, अपने ही मिलने वालों को, अपने ही कर्मचारियों, अपने ही रिश्तेदारों को पहुंचाया गया। स्थिति बड़ी डामाडोल है। जब ये सरकार बीजेपी की नहीं थी, यानी कि सत्ता पर नहीं थी, तब कांग्रेस पर बहुत आरोप लगते थे कि कांग्रेस ने वो किया, ये किया। हालांकि घोटाले भी हुए, निकल कर चीजें सामने भी आई, लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति में जो हालात हैं, जो कर्मचारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी मानसिकता, उनकी स्थिति किस कदर डामाडोल है या यूं कहें कि ढुलमुल है, उसकी तो सिर्फ एक ये पानगी है मौजूदा वक्त में। नमस्कार, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और हाँ, छोटी सी बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।